देश के आकांक्षी जिलों में शामिल खंडवा जिले में लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उम्दा और बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में खंडवा जिला प्रशासन द्वारा जिले भर के हजारों कर्मचारियों के लिए लोक सेवक ऐप तैयार किया गया है, जिसकी नीति आयोग ने जमकर सराहना की है। नीति आयोग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस लोक सेवक ऐप के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों की मॉनिटरिंग होती रहती है। अपने कार्यक्षेत्र से ही कर्मचारियों को जियो टैगिंग कर उपस्थिति दर्ज करवाना पड़ता है, जिससे अपने अपने क्षेत्र में वो लापरवाही नहीं कर सकते। खंडवा कलेक्टर तन्वी सुनरियाल ने नीति आयोग द्वारा की गई सराहना को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस लोक सेवक ऐप को व्यापक बनाया जाएगा। कि यहाँ पे डिसिप्लिन है, स्टाफ में पंक्चुअलिटी है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस हो रही है और साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बेसिक स्कीम्स हो रही हैं। और ये सब पॉसिबल है मेरे प्रेडिसेसर विशेष सर के प्रयासों से। कटनी में भी विशेष सर और फ्रैंक जो सीओ जिला पंचायत है, उन्होंने मिलकर ये ऐप डेवलप करवाया था और वहां से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जो यहाँ पे आके सिर्फ मात्र अटेंडेंस ऐप ना होके एक अच्छी मॉनिटरिंग ऐप के द्वारा भी विकसित हो गई है। और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एचआर मैनेजमेंट की ऐप बनाया जाए और लिंक किया जाए बाकी सिस्टम से, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें कॉम्पोनेंट जोड़ा जाए, ताकि मैनुअली फेस रिकॉग्नाइज करके नंबर्स को गिनने की आवश्यकता ना हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। So it is a great initiative and I will definitely take it forward. दोपहर न्यूज़ के लिए खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट।